चल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मरहबा बकुम, या अहलन व सहलन मुशाहिदीन अलकराम, असाकुम तैबिन, असाकुम बिलखैर। अना आदिल सिलरो, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं जा रहा हूँ शदादकोट शहर की तरफ। और शदादकोट शहर की तरफ मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आज शदादकोट का मोटो व्लॉग बनाने, जिसमें मोची बाज़ार, शाही बाज़ार और थोड़ी बहुत और भी जगहें हैं जो मोटो व्लॉग में आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि सारे शदादकोट का तो मोटो व्लॉग नहीं बना सकते, जितना आज मैं मोटो व्लॉग बना सका शदादकोट का, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। बस अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं यहाँ से, गोप्रो को लगाते हैं हेलमेट में और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज शदादकोट का मोटो व्लॉग बनाने के लिए मैं निकल रहा हूँ अपने गाँव से आयतल कुर्सी। तो आए सफ़र पड़ते हैं और इंशाल्लाह जो जगहें आएंगी दिखाने के लिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और अगर मुझे पता हुआ जगहों के नाम तो वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। भैंस चक्कर मारने लगी थी आपके भाई को, लेकिन शुक्र है बच गए। अभी जी गांव से निकल चुके हैं, और गांव से निकलने के बाद हमारे पास जो सबसे पहले जगह आती है वो है हुसैनी चौक। तो अभी हुसैनी चौक पे यहाँ पे किसी को खाना देना है, खाना देते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे किसी ने कहा था कि यार खाना देते हुए जाना, खाना दे दिया हुसैनी चौक पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ शहर की तरफ। वेलकम टू शदादकोट सिटी। और ये जी हमारे शदादकोट का पार्क, हमारे शदादकोट का पार्क, ये दासाई देख रहे हो ना, हमारे शदादकोट का पार्क। शुक्र अल्लाह का हमारे पास पार्क भी है। आप लोगों को क्या पता, आप लोग हमारे को गरीब समझते हो। हम गरीब थोड़े ही, हमारे पास तो शदादकोट में पार्क है दासाई। और इस रोड को लड़काना शदादकोट रोड कहते हैं, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और जिस रोड पे हम जा रहे हैं। और यहाँ से बस कंबर के लिए भी जाती है, लड़काना के लिए भी जाती है, और इसको कहते हैं लड़काना वैन स्टॉप। यहाँ से लड़काना के लिए वैन जाती है। ये भी लड़काना शदादकोट रोड ही चल रहा है अभी तक, और इसके बाद आएगा खुशदार चौक। और इस खुशदार चौक को गंजे वाली मांड भी कहते हैं, गंजे वाली मांड खुशदार चौक को। तो हम खुशदार चौक से जाएंगे सीधा, सीधा इस तरफ नहीं जाएंगे, छोटू मोट चौक की तरफ हम जाएंगे, बाज़ार की तरफ। ये आ गया खुशदार चौक, गंजे वाली मांड। तो हम यहाँ से जाएंगे इस वाले रास्ते पे, यहाँ से जाएंगे हम शाही बाज़ार। शाही बाज़ार से होते हुए फिर हम शायद आई थिंक तो मेन बाज़ार भी जाएं। मेन बाज़ार से होते हुए फिर हम छोटू मोटू चौक से वापस होंगे। यस दैट्स इट, वी गॉट इट। आगे अल्लाह करेगा सुना हो भैया, रचुआ तो हमारा काम खराब हो गया। और ये मोची बाज़ार शदादकोट, ठीक है, ये जी मोची बाज़ार शदादकोट। और अब हम जाएंगे आगे शाही बाज़ार की तरफ। उम्मीद करते हैं कि रश ना ही हो तो बेहतर है, नहीं तो आपके भाई को तकलीफ़ होगी मोटो व्लॉगिंग में। ये जी मोची बाज़ार, यहाँ पे एंड होता है आई थिंक तो। और अभी आगे हम जा रहे हैं शाही बाज़ार की तरफ। अदा सही साइड होना, ये शाही बाज़ार शदादकोट आई थिंक तो। शदादकोट वालों बता रहे मुझे, यही है ना शाही बाज़ार। आई थिंक तो यही है शाही बाज़ार शदादकोट। देख लो हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को जितना हो सकेगा बाजार दिखाऊंगा और घुमाऊंगा।
हम जाएंगे मेन बाज़ार की तरफ जो कि रेशम गली राजकोट, एक तो मेरे ख्याल से रेशम गली हैदराबाद में भी है लेकिन हम जाएंगे राजकोट वाली रेशम गली में। और ये जी यहाँ का बाज़ार जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। रेशम गली की तरफ ना जाएं, रेशम गली बस आपको यहीं से दिखा देता हूं, तो हम सीधा गौतम मोदी चौक की तरफ निकल जाएं। क्या कहते हैं राजकोट वालों, ये जी रेशम गली इस तरफ है, तुम चौक रेशम गली इस तरफ है और अब हम जाएंगे सीधा 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 नाग की सी ले जाएँगे गौतम मोदी चौक के पास निकले। अदा 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 मेहरबानी। ये जी सारा बाज़ार है, बस जगह का नाम नहीं पता कि जैसे रेशम गली हो गई या शाही बाज़ार हो गई। शाही बाज़ार का पता था, रेशम गली का पता था, बाकी इस बाज़ार को तो आई थिंक तो शहदादकोट बाज़ार ही कहते होंगे। चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर कभी आप लोगों को दिखाते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें तो नहीं दिखा सकते ना। अगर सारी चीज़ें एक ही व्लॉग में दिखाना देखना चाहते हो तो फिर थोड़ी थोड़ी एक एक मिनट की आपको चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जी यहाँ की माशाल्लाह सब्ज़ी मार्केट कह लें, फ्रूट मार्केट कह लें, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पर मुर्गी मिल जाएगी, बकरे का गोश्त मिल जाएगा, भैंस का गोश्त मिल जाएगा, सब्जी ऑल ऑफ थिंग आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, पीछे ही रहता है यार, थोड़ा सा पीछे रहूँगा आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा भाईजान रास्ता दे देना, इस रास्ते से रहते तो हम जाएंगे पंसारी वाली बाज़ार से। इस तरफ से तो बहुत ज़्यादा रश है भाई, कि आप लोगों को दिखाई देते हैं कि रोज़ रोज़ तो मोटो व्लॉग बनाना नहीं होता। आज बस दिल ने चाहा तो बना लिया मोटो व्लॉग। इस
सारी यहाँ पे पंसार की शॉप है, और यहाँ पे साजिद भाई के भाई भी खड़े हुए हैं, अमीर भाई। तो अभी पंसार शॉप रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा 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 लिया अब हम ये दूसरी साइड से बाहर की तरफ जाएंगे, द्वारकाना से राजकोट रोड की तरफ। देखा सही आ गया, अभी तक रश लगा हुआ है। पंसार बाजार से होते हुए बाहर की तरफ आ गया, बहुत ही मज़ा है। अभी तक जो रश लगा हुआ था वैसे के वैसे ही, दोनों जो ट्रक खड़े हुए थे वैसे के वैसे ही खड़े हुए थे, पहले दूर थे अब पास आके खड़े हो गए थे। तो अभी यहाँ पे हमारे को काम है लाल भाई के पास, लाल दिलरो भाई, जो कि बिजी लोड वगैरह करते हैं मोबाइलों पे, तो इनके पास थोड़ा सा काम है मुझे। नेट पैकेज का भी पूछना है और डिवाइस का भी पता करवाना है। नेट ने बड़ा तंग किया हुआ है यार, मेरे पास उधर नेट चलता ही नहीं है। जी तो पैकेज का यहाँ से पता कर लिया, ये वही है जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, गंजे वाली मांड खुशदार चौक। तो अभी हम वापस अपने घर की तरफ जाएंगे, गांव की तरफ जाएंगे। क्या मैं अल्हम्दुलिल्लाह गांव अपने वापस आ गया था, खाना शाना खाया है, रेस्ट की है, उसके बाद अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग का एंड किया जाए। तो इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद करता हूँ आज का ये शहदादकोट का मोटो व्लॉग आप लोगों को ज़रूर 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 पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, दुआओं में याद। फ़े अमान अल्लाह हाफ़िज़।